अच्छा तत्र मूर्धनो वा यही चलेगा ना, यथा प्रधानान्वचिक्यासा इयम् न तु क्रमेण सार्थो गमनम् ये विवक्षितम्। ये हो गया था यहाँ तक हुआ। तदैष आत्मा सविज्ञान भवति तदा एष आत्मा सविज्ञान भवति स्वप्न इव विशेष विज्ञानवान भवति। उस समय यह विशेष विज्ञान वाला हो जाता है। विशेष विज्ञान मैंने क्या, अगले जन्म में जो शरीर प्राप्त करने वाला होगा उस शरीर संबंधी विज्ञान वाले का नाम विशेष विज्ञान। कर्मवशात न स्वतंत्र, यानी ये नहीं कि आप स्वतंत्र है अपने मर्जी से उसे ब्रह्म का हम विशेष विज्ञान कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोचने से नहीं चलेगा। उसके लिए यदि कर्म किए होंगे तो जरूर वो याद आएगा। करतो स्मर कृत गंग स्मर करतो स्मर कृत गंग स्मर का कर्म के वजह से आप विज्ञान उत्पन्न कर में कोई स्वतंत्र नहीं है। कर्मवशात न स्वतंत्र है। स्वातंत्रेण ही सविज्ञानत्वे सर्वकृत कृत्य स्यात्। यदि सविज्ञानत्व स्वातंत्रता होता तो सारी दुनिया मरते वक्त पर ब्रह्म चिंतन करके सब के सब मुक्त हो जाते। सर्वकृत कृत्य स्यात् नहीं वो तो लभ्यते अर्थात, लेकिन वो लाभ होता नहीं। नहीं वो तो तत्व ने कृतकृत्यत्वम नहीं वो लभ्यते। भाई जन्म के चक्कर में भटक रहा है, ये सभी का अनुभव सिद्धि है, दुखी है, इसे ज्ञापन होता है कि निश्चित रूपेण वह वहां पर उस ब्रह्म विज्ञान वाला नहीं था किंतु अन्य विशेष विज्ञान वाला था। अन्य कौन सा, भावेश्वर संबंधी विशेष विज्ञान वाला सिद्ध होता है। अतएव आह, इसलिए तो भगवान ने उपदेश देते हुए कहा भी है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः इति। वेद व्यास जी गीता जी में लिखते हैं, इसलिए यम यम वापि स्मरन भावम, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अन्ते कलेवरम त्यजति, मरण काल में इस कलेवर को त्यागते हो, तम तम एव एति ऐति हे कौन्तेय, उसी उसी शरीर को प्राप्त अवश्य कर लेता है। क्यों, सदा तद्भाव भावित कर दिया, क्योंकि वह सदा ही तारस भाव से भावित हुआ करता है, तारस वासनाओं से आविष्ट हुआ करता है, इसलिए उस समय वही चीज को स्मृति में आएगा, उसे ग्रहण करेगा। कर्मणा तुद्भाव्यमान अंतकरण वृत्ति विशेष आश्रित वासनात्मक विशेष विज्ञान सर्वोलोक एतस्मिन् काले सविज्ञानो भवति। कर्मणात् उद्भाव्यमानेन, कर्म के द्वारा क्या होता है, आपका अंतकरण को प्रेरणा मिलती है और आगे चिंतन करने का। कर्मणा उद्भाव्यमानेन अंतकरण वृत्ति विशेष आश्रित वासना, अंतकरण में वृत्ति विशेष में आश्रित जो वासनात्मक विशेष विज्ञान के द्वारा उद्भाविमानेन विशेष विज्ञानेन सर्वोलोकः समस्त जीव एतस्मिन् काले उस मरण काल में सविज्ञानवान रहता है। सविज्ञानम् एव च गंतव्यम् अनुभव क्रामति अनुगच्छति विशेष विज्ञान उद्भासितम् एव इत्यर्थः। सविज्ञान वाला ही होने के कारण से वह उस गंतव्य की ओर अनुक्रमण करता है, चला जाता है जो विशेष विज्ञान के द्वारा उद्भासित था। तस्मात तत्काले, यदि आप उस मरण काल में स्वतंत्रता चाहते हैं, मैं जो चाहूं वो चिंतन करूं, ऐसी स्वतंत्रता आप चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा। यदि भी आम कथा तो यह है कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, कर्मवशात वासना उद्भावित तद्वारा जो विशेष विज्ञान उद्भावित होता अगले जन्म के शरीर के बारे में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस मरण काल में चिंतनगत स्वतंत्रता अपेक्षा रखता है तो योग धर्मानुसेवनम परिसंख्यान अभ्यासश्च विशिष्ट पुण्योपचयश्च श्रद्धान परलोकार्थ अप्रमत्त कर्तव्य, अप्रमत्त होकर करना पड़ेगा, योग के धर्मों का अनुष्ठान करनी पड़ेगी,
योग हो गया योग शिक्षा वृत्ति निरोधा, उसके धर्म क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। परिसंख्याभ्यासश्च, परित्यज संख्यान किया गया है जो योगानुष्ठान, विविध शास्त्रों में योग के अनुष्ठान की विभिन्न प्रक्रियां बताई गई है। कोई क्रिया योग है, लय योग है, अनेक प्रकार के योग होते, कुंडलनी योग है कि नहीं, राजयोग है, अनेक प्रकार के योग है। जो कौन किसकी योग्य कैसा है उसको समझ बूझ करके उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। विशिष्ट पुण्योपचयश्च, और विशिष्ट पुण्य को भी संग्रह करना पड़ेगा। केवल योगानुष्ठान करने से भी नहीं चलेगा, ये तो हुआ। केवल योग धर्मों का पालन करके योगानुष्ठान करने मात्र से चलता नहीं है, विशिष्ट पुण्य को भी हासिल करना पड़ेगा। विशिष्ट पुण्य कहां से आएगा? उपासना से। उपासनाओं के द्वारा विशिष्ट पुण्य जब प्राप्त कर लेता है तो श्रद्धान ही परलोकार्थ भी, श्रद्धा रखने वाले परलोक में या ब्रह्मलोक भी हो सकती है या ब्रह्मरूपी लोक भी हो सकता है। ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक परलोक, पर एव लोक या परस्य लोको वाई परलोक। इतना मेहनत करने वाला मान लो परलोक को तत्वरूपी लोक को प्राप्त नहीं कर पाएगा, यहां मरण काल में उसको स्वरूपानुभूति न भी हो पाए तो ब्रह्मलोक तो निश्चित पहुंच जाएगा, वहां से जा करके वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो ही जाएगा। इसे कहते हैं परलोकार्थ भी श्रद्धान ही अप्रमत्त संकर्तव्य, प्रमाद रहित होकर के उनको ये सब करना पड़ेगा, तब वहां स्वतंत्रता होगी। उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता हुआ मरण काल में ब्रह्म चिंतन कर सकेंगे। सर्व शास्त्राणाम यत्त तो विधेय अर्थ तो दुश्चरितार्थ परमणम, और सकल शास्त्रों का एक ही विधेय अर्थ मुख्य रूप में लक्षित है। सकल शास्त्रकारों ने एक बात जरूर कहते हैं, क्या? दुश्चरितार्थ परमणम यत्न कर्तव्य, आपने दुश्चरित्र से उपराम बड़ी प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। कि समस्या चरित्र का है, चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए कहा इफ मनी इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। इसलिए कहा, अंग्रेज भी मानते इस बात को, अंग्रेजी में बोला है इस बात का। आज भी संस्कार तो यहीं से मिलना है ना, चाहे जहां भी पैदा हो सब भी तो पहले हिंदू ही रहे। वो तो यवन को बाहर कर दिया गया था, वो जाके उधर देश बसा दिया अमेरिका वगैरह, वो सब हिंदू ही हैं, हमारी ययाति के संतान है वो सब। तो अमेरिका में है, इसराइल इंग्लैंड वगैरह में है, वो सब ययाति के संतान। तो यवन जिसको बहिष्कृत कर दिया ना, ययाति ने निकाल दिया देश से बाहर। उस समय का भारत यहां से लेकर तुर्की तक था, जो आज की तुर्की बोलते तुर्की, वहां तक था पूरा पूरा, ये अरब देश वगैरह सब इसी में था। उससे बाहर फेंक दिया उसको, यूनान कहते, आज युगांडा कहते, आज उसका नाम युगांडा है। वहां उसको रखा यवन को देश से बाहर, और उसने फिर अपना वहां जमाया, वहां जब पकड़ा संतान तान पैदा की, कुछ और बनाया, इस तरह कुछ यहां से भी पीछे गए होंगे उसके उसके समर्थक, उसके मित्रगण प्रेमीगण सब गए, उस तरह से बस गया और वही फैलते गया आगे। इधर आना तो बंद था, उधर ही उधर फैले, वो अमेरिका तक चले गए। वो सब इसलिए अपने ही हिंदू हैं, लेकिन अब क्या करें, काल क्रमेण काले न महता ही है योगो नष्ट परंत, क्या करें, सब भूल गए, अपनी चीज को अपनों को भूल गए। अपने को जब भूल गए तो अपनों को और अपनी चीज को तो भूलना ही है। इसलिए कहते कि देखो शास्त्राणाम यत्त तो विधेय अर्थ किमस्ति दुश्चरितार्थ परमणम, नहीं तत्काल शक्य थे किंचित संपादित, क्योंकि उस काल में आप सोचे मैं कोई पुण्य कर्म कर डालूंगा तो कोई कर नहीं सकता। मरणावसन काल में, मुमूर्षु काल में कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। कर्मणा नियमान से स्वातंत्र्य अभाव, कर्म के द्वारा जबरदस्ती ले जाया जा रहा है वो, अतः उस समय में उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती है।
इसी बात को पूर्व में कहा है, पुण्यो वही पुण्य न कर्म ना भवते पाप पापे न इत्युक्तम्। एतस्य अनर्थस्य उपशमोपाय विधानाय सर्वशाखोपनिषद प्रवृत्ता। एतादृश संसार रूपी अनर्थ जो है, जन्म मरण चक्र रूप जो अनर्थ है, इसी को उपशम के उपाय का विधान करने के लिए सकल शाखाओं में उपनिषदों का जो है प्रवृत्ति हुई है। नहीं तद्विहितोपाय अनुसेवनम मुक्त्वा आत्यंतिको अस्य अनर्थस्य उपशमोपाय वस्ति। इसलिए इन उपनिषदों में विहित जो उपाय है उसका सेवन किए बिना, अनुसेवनम मुक्त्वा इसे छोड़कर, अस्य अनर्थस्य उपशम आत्यंतिक उपशम उपायो नहीं अस्ति। इन उपनिषदों में विहित उपायों का अनुष्ठान करने के अलावा उस अनर्थ का आत्यंतिक उपशम उपाय कोई दूसरा नहीं है। तस्माद् अत्रैव उपनिषद विहितोपाये यत्त परैर् भवितव्यमिति एष प्रकरणार्थः। यह मरण दशा का वर्णन करने का तात्पर्य यही था कि अत्रैव उपनिषद विहितोपाय, अत्रैव न अस्मिन् जन्मनि युवावस्थायामेव न तु वार्धक्याम् न तु मरणावस्थायाम् असंभवादेव, किन्तु युवावस्थायामेव अत्रैव का तात्पर्य। उपनिषद विहितोपाये यत्त परैर् भवितव्यम्, यत्न परक समस्त जीवों को हो जाना चाहिए, ये इस प्रकरण की तरह अभिलक्षित अर्थ है। शकटवत समृत संभार उत्सर्जन याति तुक्तम। अब आगे उच्चार होता है, आपने तो आवाज करता है वहां बैलगाड़ी, यह क्या है आवाज करने, क्यों आवाज करेगी, क्यों दर्द होता है, कुछ तो होगा नहीं। अभी वहां तो भार था, माल पानी थी, जहां जा रहा है तो अपना सामान सामान ले जा रहा है सब, तो उस भार के कारण से आवाज भी हुआ। ये क्या ले जाता है और ये आवाज क्या है? आवाज तो स्पष्ट समझ में आती, क्लेश दर्द है, लेकिन माल क्या ढो रहा है? नहीं, विद्या कर्मणि विद्या आया था ना, विद्या कर्म और वास। इसलिए कहते देखो, शकट समृद्ध संभार उत्सर्जन याति इत्युक्तम, ये बात पूर्व में कह दिया गया था। किम पुनः तस्य परलोकाय प्रवृत्तस्य पथि अदनम, वो परलोक माने अगले जन्म की ओर जाता हुआ इस जीव के रास्ते में खाने पीने का माल टाल क्या है? पथि अदनम किम, मार्ग में क्या खाएगा ये? शाकटिक संभार स्थानीयम, क्योंकि वहां भी शकट में गए, वो जो शाकटिक था वो अपने माल खाने पीने के माल वगैरह सब लेके जा रहा था साथ में, वैसे ये क्या अपने रास्ते में खाने पीने के माल ले जा रहा है? गत्ता वा परलोकम यद भुंगते शर्रादि आरभ कंच यत तत् किमिति, और जाने के बाद उस पर शरीर में क्या क्या उपभोग करेगा? ये शर्रादि का आरंभ कौन है? ये सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए इस मंत्र के शेष भाग आ रहा है। उच्चते परलोक तम परलोकाय गच्छन्तम् आत्मानम् विद्या कर्मणि, विद्या च कर्मणि, उस परलोक अर्थ पर शरीर के लिए उप अगला जन्म प्राप्त करने के लिए जाता हुआ इस जीवात्मा के पास ये भोजन पानी था, क्या है? विद्या और कर्मो, विद्या कर्मणि वासना च, था विद्या कर्मणि वासना, पहले दो को ले रहे हैं, वासना को बाद में लेंगे। विद्या कर्मणि विद्या च, विद्या से क्या लेना? विद्या कौन सी विद्या इसको साथ देता है? कहते विद्या च कर्मचित विद्या कर्मणि, ये तो समास बता दिया पहले। विद्या सर्व प्रकार विहिता प्रतिषिद्धा अविहिता अप्रसिद्धा, केवल उपासना नहीं लेना यहाँ, क्योंकि जीव साधारण को ले रहे हैं यहाँ पर हम, साधारण जीव एक जन्म से दूसरे जन्म को जा रहा है, इसलिए विद्या से सारी चीजें ली जाएगी। सर्व प्रकार, चाहे विहित कर रहा हो, चाहे प्रतिष्ठित कर रहा हो, चाहे अविहित हो, चाहे अप्रतिष्ठित हो, सारे प्रकार की होगी। विहित विद्या क्या हो सकती है? ध्यानात्मिका। प्रतिष्ठित विद्या क्या है? नग्न स्त्री दर्शनादि रूपा। अविहित विद्या क्या है? घटादि विषय विज्ञान। अप्रतिषिद्ध विद्या क्या है? पथि में पतित तृणादि विषया। अप्रसिद्धा
पति पतित तृणादि विषया, जो पति मार्ग में आप चल रहे हैं उधर घास आदि सूखा घास गिरा पड़ा या पत्ते पत्ते गिर पड़े उस पर आपका पैर पड़ गया तो क्या होगा, उसे पाप नहीं होने वाला, अप्रतिषिद्धता है, उस पर पैर डालना नहीं चाहिए। ऐसे कहीं प्रसिद्ध है क्या, रास्ते पर पड़े हुए सूखे पत्ते आदि पर पैर डालने पर अमुक पाप होता है इसलिए पैर नहीं डालना चाहिए, ऐसा कहीं प्रतिषिद्ध नहीं है। अप्रतिषिद्ध कर्म है, वो भी आपने किया है उसका भी फल भोगना है, लेकिन वो पाप तो नहीं देगा पुण्य भी नहीं देगा, उदासीन कर्म उसको कहते हैं। अप्रतिषिद्ध जो आपने किया वो उदासीन कर्म, अविहित भी आपने जो किया वो भी उदासीन ही है। अप्रतिषिद्ध भी उदासीन है, अविहित भी उदासीन होता है, वेद पुण्य देता है, प्रसिद्ध पाप देता है, अविहित और प्रसिद्ध हमेशा आपको वह ज्ञान या वह कर्म हो वह उदय उपेक्षा करके रखता रहता है, उदासीन भाव में रहता है। वह नतीजा क्या होगा, ये उदासीन कर्मों का ही फल है कि आप जो है अनेकों बार जीवन में उदासीन भाव में पहुंच जाते हैं। क्या करना, पढ़ लिख कर छोड़ो, बहुत देख लिया, वो पढ़ के क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो भी तरह देश पड़ा है, इसको देखो धंधे में लगा हुआ है, ऐसे से मन में विचार आएगा और पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते, फिर महीने भर के बाद दिमाग में आती है चलो वो जो जैसे भी करते रहे करने दो, हम क्यों छोड़े, हम भी ऐसे जरूर होंगे क्या, ये कोई जरूरी क्या, मैं भी ऐसे हो जाऊं, अरे मैं पढ़ के सही रहूंगा, चलो फिर जोश आती है फिर पढ़ने वाला जुड़ जाता है। ये चक्कर क्यों हुआ, बीच में वो एक महीना उदासीन तक क्यों आई, ये उदासीन कर्मों का फल था, उदासीनता आ जाती है ना प्रवृत्ति ने निवृत्ति पीछे लटका रहता है। तो इसी तरह से ये सब इसलिए कर्म भी घटा रहे थे विचारों, तथा कर्म भीतम प्रसिद्धम अवीतम अप्रतिषिद्धं च समन्वार भेदे, कर्म भी चार प्रकार है, कर्म हित कर्म क्या याग आदि, प्रसिद्ध कर्म ब्रह्म हत्या आदि, अवहित कर्म घूमना फिरना माता के पास गया आया इधर उधर गया भाई बहन के पास गांव में चला गया आया खेला कूदा ये सब क्या है गमन आदि, ये अवहित कर्म। और अप्रतिषिद्ध कर्म कौन सा है, नेत्र पक्ष विक्षेप आदि, यहाँ के पलक गिर रहे हैं, ये न वेत है न प्रतिषिद्ध है न अविहित है, स्वाभाविक है, उसको आप प्रसिद्ध कर्म रख, इस तरह के कर्मों को ले रहे हैं। तो ये सारे चीजें सम्यक अनवार भेदे, समन्वार भेद मैंने सम्यक रूपेण ये ते वह अनवार भेदे अनवार लभेते, यही वह पर प्रवृत्ति लाभ कर लेते हैं। अनुगच्छत पूर्व प्रज्ञाच, जाता हुआ उस जीव के को यही वृत्ति, जीव के साथ यही वृत्ति लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, और क्या इसको प्राप्त कर रहा है, पूर्व प्रज्ञा, पूर्वानुभूत विषय प्रज्ञा यदि पूर्व प्रज्ञा अतीत कर फलानुभव वासना इत्यर्थ, पूर्व प्रज्ञा से पहले बता दी तो वासना उसको यहां ले जा रहे, देखो पूर्वानुभूत विषय जो प्रज्ञा है उसको पूर्व प्रज्ञा कहते हैं, अर्थात अतीत कर फलानुभव वासना, अतीत में कर्म फल के जो अनुभव किए हैं संबंधी वासना भी आपके साथ बनी हुई रहती है, इसलिए वो यहाँ पर क्या है समय समय पर वो फल वासना याद आता है, फिर उस कर्म में आप लग जाते हो, अतीत जन्मों में जो कर्म का फल वो किए हो उसकी वासना रहती है, तो अगले जन्म में क्या होता है उसी के अनुसार कर्म के कर्म कर लगते हो, क्यों फल की वासना आपको फल का स्मरण कराता है और फल प्राप्त करते हो फिर उसी कर्म को करने में लग जाते हो। साच वासना अपूर्व कर्मारंभे कर्म विपाकी चंगम भवति, और ये वासना को अलग क्यों लिया, विद्या कर्मणी पूर्व प्रज्ञा च, अलग क्यों बोला, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा सीधा बोल देते नहीं, उसको अलग रखने के पीछे कारण है, क्योंकि अगला शरीर का आरंभ कौन पूछा ना उसने, कि प्रश्न है मार्ग में इसका भोजन पानी क्या और उस अगले जन्म की में निमित्त कौन बनता है और वहां क्या क्या भोगता है, दो पाती तो दोनों के लिए कहते वासना ही है वहां पर, यही सब कारण है। साच वासना अपूर्व कर्मारंभे और कर्म विपाके च अंगम भवती, कर्म विपाक में कर्म फल भोगे कर्म फले प्रयोजकम भवती, अंगम ने प्रयोजकम भवती,
तेन असव अपी अनवार बत्ते, इसलिए यह वासना भी वहां पहुंच समय क्या होता है अप्रवृत्ति लाभ को प्राप्त होता है। यही तीन चीज आपके साथ हैं और उनमें से एक जो चीज ऐसा है जो अगले जन्म में भी आप विभिन्न प्रकार फल भोग में सहयोग देता है। नहीं तया वासना बिना कर्म करतुम फलंच उपभोगतुम शक्यते। तया तथा नहीं तया, नहीं तया वासनया, उस वासना के बिना, तया वासनया बिना कर्म करतुम फलम च उपभोगतुम नहीं शक्यते, क्योंकि उस वासना के बिना कोई किसी प्रकार का कर्म कर नहीं सकता, न फल का उपभोग ही कर सकता है। इसे जिस प्रकार का कर्म कर रहे हो और जिस प्रकार का फल उपभोग करने की आपके अंदर प्रवृत्ति हो रही है, उसी से अनुमान कर लेना पड़ता है कि आपके अंदर किस प्रकार की वासनाएं हैं और उन वासनाओं को काटने के लिए किस प्रकार की उपासनाएं करनी पड़ेगी, यह भी विचार करना पड़ेगा। पहले अपने आप, इसलिए कहते सेल्फ एनालिसिस, पहले अपना डायरी मेंटेन करो, साधना डायरी, देखो तुम्हारा 24 घंटे में कैसी प्रकार की वृत्तियां आई थी। अमुक बजे से अमुक बजे तक सात्विक वृत्ति था, अमुक बजे से अमुक बजे राजसिक था, तामसिक था, जो भी रहा, निष्पक्ष भाव निष्कपट भाव से स्वयं का चलन चित्र बनाकर रख देना चाहिए। आप फिर महीना भर उसको लिखते जाओ, केवल सोचना नहीं, पीछे पन्ना पलट करके देखना नहीं, महीना भर लिख दो, फिर उसे अकाउंटिंग करो बैठकर, तो कितने घंटे सात्विक बीता, कितने घंटे राजसिक, कितने घंटे तामसिक हुआ, उसके अंदर अनुमान कीजिए आपके अंदर रजोगुण ज्यादा है या तमोगुण ज्यादा है या सत्वगुण ज्यादा है, किस प्रकार की वृत्तियां हुई थी उसके आधार पर निर्णय लेना होगा। जब ये निर्णय होता है तब साधना निर्णय होगा, तब निर्णय होगा आपकी साधना क्या होगी, योग में कौन सा योग अपनाना है, आसन में कौन सी आसनों को अपनानी, प्राणायाम में कौन से प्राणायाम अपनाना पड़ेगा, उपासना में यहाँ उपनिषद उपासना में किन उपासनाओं को करना होगा, इनके जो अच्छा लग गया वो करने लग गए, ऐसा नहीं होता। ये मन बहुत खतरनाक है, अभी किसी चीज को अच्छा बोलेगा, कुछ दिनों के बाद दूसरे को अच्छा बोल देगा, क्या कर लोगे, खाली जिंदगी में कोई साधना नहीं होने देता ये, ये मन के अनुसार चलो, जिंदगी में कोई साधना नहीं होगी। इसे हम पे कहा गुरु को बनाओ, गुरु ने जो बता दो कर दे जब आंख बंद कर, और क्या कर सकते, कि अपना समझ में नहीं आ रहा है वासनाओं के बारे में, न हम अपने आप तय कर पा रहे हैं, अगला गुरु को भी समझ में आवे नहीं आवे, जो बता दे उसे श्रद्धा करेंगे तो जरूर फल मिलेगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्ति चलता है तो जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच पाता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं, न गुरु का दिया हुआ साधना कर रहे हैं, न गुरु को मानते ही हैं, कहीं तो गुरु ही नहीं है, मनमुखी है, और स्वयं का अध्ययन भी नहीं कर रहे, मेरे अंदर हो क्या रहा है, मुझे करना क्या चाहिए, विवेक नाम का चीज नहीं, वो व्यक्ति साधु बनकर करेगा क्या। साधु बनना आसान है लेकिन साधना करना बड़ा कठिन। साधु बनने का तात्पर्य वेश पहनने से तात्पर्य, साधु बन गए फिर तो काम में खत्म हो गया, इसलिए असली साधु की बात नहीं हो रही, वेश पहनना बहुत आसान है, लेकिन वेश पहनकर साधना करके असली साधु बन जाना ये बड़ा कठिन काम। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो वासना है ना, इसके बिना ना आप कोई कर्म कर सकते हो ना कोई फल उपभोग कर सकते हो। नहीं अनभ्यस्त विषय कौशल इंद्रियाणाम भवति, जो अनभ्यस्त विषय है उसमें इंद्रियां कभी कुशल हो नहीं सकती। आपकी इंद्रियां जिस विषय में कुशल हो रहे हैं इसका समझ लो अनेकों जन्मों से आपने वही कर्म करते आएंगे, इसलिए सुकुशलता है। कई लोग पूछते महाराज छह साल के अंदर सारा काम कैसे निपटा दिया, 5.5 साल में इतना कैसे पढ़ लिए, इतना तेजी से कैसे पढ़ लेते, धड़धड़ बोल देते, इतना हिंदी बोल लेते हो, यहां आके सीखे सब कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। हम यही कहते हैं अनेकों जन्मों से यही पैदा हुआ था ना, तेरे को मालूम नहीं है? अब हो रही होगी कोई वासना, वहां हो गई आपकी बार जन्म कहीं दक्षिण में, तो कौन सा बड़ा बात, आया तो वही लौट करके यही होगी मन में, हो सकता है यहां से भ्रष्टाचार हो रहा था इसलिए पवित्र कुल में जन्म लेने के लिए भगवान ने वहां भेज दिया होगा, लेकिन आना पड़ा साधने के लिए वापस यहीं पे,
यहाँ ही किया हुआ हिमालय छोड़ा हुआ है नहीं ना अनेक जन्मों से, इसलिए घूम फिर वही हिमालय में पहुंचेगा वो। तो वासना है ना, कहाँ जाएगा वो, क्योंकि वो जो अनभ्यस्त विषय में कौशलम इंद्रियाणाम नहीं भवति, इंद्रियों की कुशलता कदापि नहीं हो सकता है। पूर्वानुवासना प्रवृत्तानाम तो इंद्रियाणाम ये अभ्यास अंतरेण कौशलम उपपद्यते, अनेक जन्मों के अनुभव से जो वासना से जो प्रवृत्त होती इंद्रियां, तो उस विषयों में यह इस जन्म में अभ्यास की बिना ही कुशलता उपन्न हो जाता है। दृश्यते केशांचित कासुचित क्रियासो चित्र क्रमादि लक्षणासो विनैव अभ्यास जन्मतेव कौशलम कासुचित अत्यंत सौकर्युक्तास्वपि अकौशलम केशांचित। कुछ लोगों में देखने को मिलता है कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है, बेचारे गरीब हैं, कुछ भी उनके पास नहीं है, और ऐसी कला है कि बस पूछिए मत। दक्षिण वारा में भी देखा हमने, सड़क पर वहां लंगड़ा पंगड़ा कुछ नहीं है, हाथ भी नहीं ठीक से कटो हुआ, उंगली पुंगली सब, और यूं पकड़ के इसी चाक पे इसमें पकड़ता है और भगवान की चित्र सड़क पे बना देता है, बहुत बढ़िया। जो देखता है तो वही भक्तिभाव जग जाए उसके, ऐसा दिव्य झांकिया बना लेता, क्या कला है उसके पास, कौन दिया कौन सिखाया, कोई साधन नहीं, मुश्किल से इधर से चाक पे इकट्ठा करता है। हम लोग को कहते थे एक वहां पर था स्कूल के पास कलाकार, वो कहता था जितने टुकड़े चाक पे से ना रंग बिरंग सब लिया ना, टमाटर फेंक देते ना वो इकट्ठा करके लाओ बोलता था। और हम लोग कहते वो क्यों मांगता है भाई, सीधे बड़े ही मांग लो हम बड़ा ही दे देंगे। कहते हमको क्या मालूम आपके जेब में कुछ है, हम दूसरे स्कूल के बच्चे कुछ नहीं इसलिए हमने कह दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी ला देंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे और नई भी अच्छी भी ला देंगे, ले आके दे तो बहुत बढ़िया बनाता था। लोग जाते रास्ते देख करके पैसा फेंकते थे, बड़ा प्रणाम करते थे, कोई दुबुद्धि भी कर देता था बड़ा कमाल। और वही लखपति का बच्चा है, सब आर्ट के मटीरियल उसके पास है और बस वो कहता है तो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, सही आता नहीं है, जितना बनाए कोई अपनी शकल नहीं बना पाता, वो दूसरे की क्या बनाएगा। तो क्यों ऐसे, वही बता रहे केशांचित कासुचित क्रियासु चित्र कर्म आदि लक्षणासु, कुछ कुछ क्रियाओं में जैसे चित्र कर्म मतलब चित्र आलंकन बनाना इत्यादि, उनमें विनई अभ्यास ही ना, इस जन्म में अभ्यास किए बिना ही जन्मत एव कौशल, जन्मत ही उनमें कुशलता दिखी। केशांचित काशिद अत्यंत सौकर्युक्ता स्वपे, अत्यंत सौकर्युक्त है वो, सर्व साधन संपन्न है वो, फिर भी अकौशलम केशांचित, फिर भी कुशलों में देखा जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, बड़े बड़े जो है वो ट्यूशन मास्टर को लगा दिया जाता है, फिर भी खोपड़ी विकसित नहीं होती है। कोशिश कर लो उसको तैयार करने को, गोबर गणेश ही रह जाता है, क्या कर। ये क्यों हुआ, इसका कारण बता रहे हैं वासना, अनेक जन्मों में कृत कर्म फल भोग की वासना है जो उसके कारण, जैसा कर्म करते आए हुए जिन कर्मों का अभ्यास है उसी में इंद्रियां जाएंगी, जितना भी मना करो वो छिप छिप के जाकर कंचे खेलेगा, क्या करें आप, उसकी वासना ऐसी बनी ना अनेक जन्मों से, तो समझ में नहीं आएगा हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों समय तरह से बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं विवेका। इसलिए कहते तथा विषयोपभोगेश, जैसा कर्म में है वैसे विषयोपभोग में भी समझना, स्वभावत एव केशांचित कौशला कौशल दृश्यते, स्वभावत ही किसमें कुशलता है किसमें अकुशलता देखी जाती है। खाने पीने में कोई कोई स्वभाव होता है बढ़िया, जो भी है रूखा सूखा जो भी है उसको बढ़िया ढंग से सजा करके प्रेम से खाते, और बड़े बड़े घर के लोग घात इधर गिरा रहा है उधर फेंक रहा है सब गंदा संस्कारी, जहां रहते हैं वहां भी साफ नहीं रखेंगे संस्कार में, क्या करोगे, अनेक जन्म से अभ्यास है ना उस तरह की शुद्धि का, न अंत शुद्धि न बहिशुद्धि का विचार ही नहीं, जब अंत शुद्धि बहिशुद्धि का विचार आएगा तो मैं बाहर शुद्धि करके रहेगा वो, फिर अंतर शुद्धि के लिए प्रयास करेगा। ये सब चीजें कहते कोई भी कर्म हो सब अनेक जन का अभ्यास के कारण से, कोई किसी कर्म में अत्यंत कुशल है कोई किसी कर्म में अत्यंत अकुशल है। तच्चेत सर्वम पूर्व प्रज्ञोद्भव अनुद्भव
निमित्त भाव, ये सारी चीजें पूर्व जन्म जन्मांतर में कृत प्रज्ञा वासना का उद्भव और अनुद्भव निमित्त की होता है। तेन पूर्व प्रज्ञा बिना कर्मणि व फलोपभोगे व न कस्यचित् प्रवृत्ति उपपद्यते है। इसलिए वासना के बिना जो है व्यक्ति को कर्म में या फलोपभोग में कभी भी किसी प्रकार के भी किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मानना पड़ता है सब पर दया, इससे पढ़ने के बाद का दया करनी पड़ती सब पे, क्या करे उसकी अपनी वासना ऐसी है। चुगलखोरी करना उसका वासना है, चमचागिरी करना वासना है, पिशुनता की वासना होती है, इधर का उधर उधर का इधर झूठ बोल के लड़ाई झगड़ा करने की वासना होती है, क्या करे। और उस वासना को कहां तक हम लोग काट कर सकते हैं, वो जब तक खुद नहीं चाहेगा कोई काट नहीं सकता। दूसरा जितना भी चाहे अगले को सुधार नहीं सकते, नहीं कि सुधार पाता है, क्यों खुद वो सुधरना नहीं चाहता है। अंग्रेजी में बढ़िया कहावत है, यू कैन टेक योर हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कांट मेक इट ड्रिंक अंटिल इट वांट्स टू ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हो, डुबा दो उसको, गर्दन पकड़ दो, वही नहीं पीना चाहेगा ना, लात मारेगा, उछल के भागेगा। और जब पीना चाहेगा तो बोलने की जरूरत नहीं, आराम से पिएगा। जब तक व्यक्ति नहीं चाहता है तब तक कुछ नहीं होता है, चाहे अल्लाह को उपदेश दे दो चाहे कुछ भी कहते रहो। हम यहां भी देखते हैं, इतना बोलता हूं तो पीठ के पीछे लोग क्या बोलते हैं, अरे स्वामी जी का स्वभाव है ऐसे बोलते रहने, उनको बोलते रहो दो, हमें अपना काम करना है, वो जो कहते हैं कहते रहने दो, हमें तो राशन में लाइन लगाना ही छोड़ना है। चाहे कोई कुछ बोले कुछ करे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कहने दो। अरे योगक्षेम हम बार बार हटा देते हैं, योगक्षेम हम क्या होता है, अरे उनको कर लेने दो योगक्षेम हम, हम तो भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना, तो नहीं करे तो नहीं करेगा, क्या करूं मैं, हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्यों उनकी अपनी वासना है, क्या किया जाए। तो अनेक जन्मों से राशन की लाइन लगा कर आदत हो गई, अनेक जन्म के संस्कार को हम दो मिनट में कैसे मिटा गए, दो चार साल में बोल बोल के तो मिटा नहीं सकता है, धीरे धीरे जाएगा। अब हम जो बोल रहे ये भी तो अंदर बैठेगा, इसकी भी संस्कार बनेगी, इसकी भी वासना आएगी, अब वो वासना धीरे धीरे उस पूर्व वासना को काटेगी, तब धीरे धीरे बनेगा काम, इसलिए कोई आपत्ति नहीं, और दो चार बार जाने दिया जाए। करे तेना पूर्व प्रज्ञा बिना कर्मणि फलोपभोगे वा न कसचित् प्रवृत्ति उपपद्यते। तस्माद् एतत्त्रयम् शाकटिक संभार स्थानीयम् परलोक पथि अधनम् विद्याकर पूर्व प्रज्ञाख्यम्। इसे निश्चय हो गया, एतत्त्रय में तीनों के तीनों वस्तु शाकटिक संभार का स्थान अपन ने समझो, परलोक में अन्य शरीर को जाता हुआ व्यक्ति के अपने मार्ग में खानियों का पदार्थ है, कौन, विद्या कर्म वासना। यस्मत् विद्या कर्मणि पूर्व प्रज्ञा च देहांतर प्रतिपत्ति उपभोग साधनम तस्मात् विद्या कर्मादि शुभमेव समाचरे। कहने का तात्पर्य क्या है, अगले जन्म में यही जाने वाला है ना, इसलिए इनको ठीक करना, बाकी बिगड़े न बिगड़े उसे कोई लेन देन नहीं, कोई नाराज हो तो होने दो, उसके नाराज होने से तो वो थोड़ा मेरे साथ जा रहा है अगले जन्म में, हैं? ना हम उसको पकड़ सकते अगले जन्म, तुमने कहा था इसलिए मैंने गलत किया, अब वो रहेगा ही नहीं वहां, कहा थी किसे दलील करोगे, यमराज जी कहेंगे मैं नहीं जानता तुम किसके कहने पर किया, तुमने किया चल तू अंदर बंद हो जा। तो इसलिए कहते हैं यह प्रकरण, इस प्रकरण का अंतिम हिस्सा का भी तात्पर्य, एक अलग अलग प्रकरण अवान्तर प्रकरण मान के कह रहे, यह भी प्रकरण आरती कहेंगे, इसलिए तस्मात विद्या कर्मादि शुभमेव समाचरे यथेष्ट देह संभोग उपभोग स्यात्। यदि आप यथेष्ट देह चाहते हैं, यथेष्ट सुखादि फल भोग को चाहते हैं, तो अवश्य आपको विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा को शुभ बनाए रखना ही होगा इस जन्म में, ताकि अगले जन्म में आपके यथेष्ट देह की प्राप्ति होगी, यथेष्ट व संभोग की प्राप्ति एवं विद्या संभार समृद्धो देहांत प्रतिपद्यमानो मुक्त्वा पूर्वं देहं पक्षी वक्षांतरं प्रतिपद्यते। अगले कंडिका के लिए अवतरणिका बांति भाष्यकार कह रहे, अगली कंडिका ये बताना चाह रहा है कि विचार यहाँ अनेक संशय जाता है ना, अपने कह दिया मूर्छित समय इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है,
उभौ लोको अनुसंचरण इत्यादि, और क्या क्या लेके जाता है सारा बात तो ठीक है, कैसे जाता है, किस प्रकार से जाता है, क्यों जाता है, सारे बात हो गया, लेकिन जाता कैसे ये नहीं पता। अब विचार यहां है, क्या इसमें रहते हुए, इस शरीर में रहते वक्त ही दूसरे शरीर में चला जाता है, या तो इस शरीर को पहले छोड़ देगा, बीच में लटक जाएगा हवा में, फिर दूसरे में चला जाएगा, या कोई और मार्ग भी हो सकती है कल्पना, या ये भी हो सकता है इसमें भी रह रहा है और अगले को पकड़ लिया तब इसको छोड़ रहा है, इसमें रहते वक्त अगले को पकड़ के तब इसको छोड़ता है, जलुका न्याय ये मुख्य सिद्धांत पक्ष है। उसी जलुका न्याय की ओर ले जाने के लिए काफी विचार करके यहाँ पर बताएंगे संशयों को देख के। पूर्वम एवं विद्या संभार समृत देहांतरम प्रतिपद्यमानो, विद्यादि संभार से युक्त होकर देहांतर को प्राप्त करता हुआ यह व्यक्ति मुक्त पूर्वम देहम, पूर्व देह को त्याग करके पक्षी इव वृक्षांतरम प्रतिपद्यते, एक पक्ष जैसे पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाएगा, ये तो है नहीं कि इस पेड़ पर एक पैर रखा रहेगा और दूसरे पैर दूसरे पेड़ में रख के तब जाएगा, ऐसा नहीं, वो तो पेड़ को छोड़ ही देता है, उड़ जाता है हवा में फिर दूसरे पेड़ में आके बैठता है, उस प्रकार से माना जाए पहला पक्ष। अथवा आते वाले, लेकिन वो होता क्या, उस पहले पक्ष में गड़बड़ी है, ये वृक्ष को छोड़ा उसने लेकिन शरीर तो वही लेके जा रहा है, वही शरीर के साथ वहां चला गया, पहले पक्ष की गड़बड़ी है, गया तो उसी शरीर से, वृक्ष को छोड़ा लेकिन शरीर तो वही, जैसे आप यहां मकान वगैरह छोड़ दो, पत्नी बच्चे को छोड़ दीजिए, इसी शरीर के साथ चले जाओगे दूसरे शरीर में, वृक्ष क्या है ये संसार, आपके अपनी जो पत्नी बच्चे बच्चे सब है, घर द्वार वगैरह संपत्ति जमीन जायदाद चलाचल ये सब क्या है, आपका अपना वृक्ष के समान है, इस पर आप बैठे हो, इसी का अभिमान करके बैठे हो इस शरीर के साथ। अब वृक्ष को छोड़ने का मतलब क्या हुआ, इन सब को अपने छोड़ा और इस शरीर के साथ चले गए, जैसे पक्षी सशरीर चला जाता है, लेकिन पहले पक्ष में ये गड़बड़ी इष्ट नहीं है और सशरीर चले जाना इष्ट नहीं है, तो दूसरा पक्ष है। आतिवाहिके न शारीरांतरेण कर्म फल जन्म देश नियत है, अथवा ये शरीर भी यहां छोड़ दिया मर गया, ये शरीर भी खत्म स्थूल शरीर भी, और बीच में एक दूसरी शरीर बना लेता है जिसका नाम आतिवाहिक शरीर है, नहीं नहीं उस शरीर से नया शरीर बनता है, जब भूत योनि प्रेत योनि जैसे होती है ना, योनि विशेष है उसको आतिवाहिक शरीर बोलते हैं, जो एक जैसे दूसरे ट्रांसफर करने के लिए, जैसे ट्रॉलियां नहीं होती रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड में साहब, वो क्या है वो ट्रॉली है, वो आतिवाहिक शरीर है, वो एक स्थूल शरीर को यहां से निकाले इसमें डाला यहां से उधर फेंक देते हो, वो तो वहीं रह गया बीच में, वो ट्रॉली जैसे काम करते हैं आतिवाहिक शरीर होते हैं, अब यहां से निकले ये सुख शरीर उस आतिवाहिक शरीर में चला जाएगा, फिर यहां से ट्रॉली चला नेक्स्ट जहां पॉइंट तक, फिर वहां फिर आतिवाहिक शरीर से निकल के उधर डिब्बे में चला गया, उसी और उस शरीर में चला जाएगा, उसका नाम एक विशेष चीज है आतिवाहिक शरीर नाम से पुकारते हैं, जिस पर अधिष्ठित होकर सुख शरीर यहां से वहां चला जाता है ना, तो वो आतिवाहिक शरीर वो क्यों क्या है, वो शरीरांतरण से लगा रहे हैं, अपना सुख शरीर नहीं है वो शरीरांतर दूसरी चीज है, माल से भिन्न ट्रॉली के समान है वो, तो उसके द्वारा कर्मफल जन्म, कर्मफल का अनुसरण जिस शरीर को जहां प्राप्त करना है उस जन्म देश को वो नियते ले जाया जाता है। ये दो पक्ष है, आतिवाहिक शरीर की भी पक्ष हो सकती है, यहां से वहां जाने का पक्ष भी होता है, लेकिन पहला पक्ष का विचार करते हैं पहले, क्या क्या अर्थ संभावनाएं हैं, जो पक्षी का उड़ने की बात है उसे क्या क्या अर्थ संभावना है। किंच अत्र अत्रस्थ से सर्वगतान करणान वृत्ति लाभ भवती आहो सुरीरस्थ से संकुचिता करणानी मृत से भिन्नगढ़ प्रति प्रकाश सर्वतव्याप्य पुनर्देहांतर आरंभे संकोच उपगछती। विचार होता है कि भाई अत्रस्थस्यैव, आप यही हैं, आप कहा है इसी स्थूल शरीर में पड़े हुए हैं, लेकिन इंद्रियां क्या हो गई सर्वगत हो गई, इंद्रियां शरीर में नहीं रह गई, इसलिए ये शरीर न सुनता है बोला था ना पहले, न सुनता है ना देखता है ना कुछ करता है,
इसका मतलब क्या है? आप यहाँ है ते न सुन रहे न देख रहे कुछ नहीं कर, इसका मतलब ये इंद्रियां सर्वव्यापक हो गई, भूतों में लीन हो गई। देवता तो चले गए, देवता तो गए ही, इधर कते भूत भौतिक जो करण है ये सब तो क्या है? आकाश आदि का कार्य है, सत्वगुण का कार्य, रजोगुण का कार्य, तो बताया ना इंद्रियों को समुदित होकर कार्य होते हैं, अलग अलग प्रति का कार्य होते हैं, वो कार्य थे ना वो भी अपने कारण में लीन हो गए। केवल आप यहां पर रह गए हैं, इंद्रियों का अनुग्रह करने वाले देवता भी चले गए, अपने उनका अंश अंशी में लीन हो गया, और कर्ण जो बने थे भूतों से वे कर्ण भी अपने भूतों में लीन हो गए। इसको कहते सर्वगतानां करणानां, कर्ण क्या हो गया? सर्वगत हो गया है, उनका वृत्ति लाभ भवति, उन इंद्रियों के वृत्ति लाभ अगले शरीर में हो जाएगा, इसी का नाम पुनर्जन्म है। आहोस्वित अथवा नीचे वो अलग अलग मत है, देवता येन शरण विशिष्टम जीवम परलोकम नयति तद आतिवाहिक शरणांतरम तेन इति, आपका जवाब दे रहे येन शरीरेण विशिष्टम जीवम देवता परलोकम नयति तद आतिवाहिक शरीरांतरम। देखो आ गया ना, जीव अलग है, जिस शरीर में के द्वारा या शरीर से विशिष्ट होकर आप जीव रहोगे, और देवता आपको यहां से दूसरी जगह ले जाता है, इसे ना कुली ले जाता है ना ट्रॉली पे डाल करके, इसे दृष्टांत तो बनता है, देवता ले जा रहा है इसे कुली ले जाता है और ट्रॉली में माल डाल दिया उसने, इधर से जीव इस शरीर से निकला, वो उस ट्रॉली रूपी आतिवाहिक शरीर, उसका नाम आतिवाहिक शरीर, उस पर पड़ा और देवता उसको खींच के ले जा रहा है, जैसे दूसरे पहुंचा रहा है। एक तो पक्ष वो थी शरणांतरम तेने दिया, सांख्य मत किंच से, किंच से सांख्य मत को बता रहे हैं, वो मानते हैं कि भाई कर्म फलानुसार ने सब जगह चला गया है, सर्वव्यापक हो गया, फिर वो वृत्ति लाभ प्राप्त होता है। विचारों फिर विस्तार से कर देखते हैं।